तो गाइस सामने है हमारे स्लोप और यहाँ पे है हमारे पास ह्यूंडई क्रेटा का 2019 वाला जो SX वाला मॉडल है वो डीजल ऑटोमेटिक है ये वाली। और मैं आपको एक चीज, एक जो सबसे जो मेन फीचर होता है ना जो मैनुअल और ऑटोमेटिक में क्या होता है कि मैनुअल में जब आप स्लोप पे चढ़ाते हो बीच में रोकते हो तो गाड़ी पीछे आती है। अब आजकल की गाड़ियों में वो हिल होल्ड वाला जो असिस्ट वाला जो फंक्शन है वो आता है, लेकिन यहाँ पे इस वाले क्रेटा में मतलब जो 2019 मॉडल है उसमें भी आपको ये चीज आती थी। और ऑटोमेटिक का ये एक फीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि सपोज अगर आप ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली चलने लगेगी, और अगर आप स्लोप पे जाते हो और कुछ रीजन की वजह से आपको सामने वाली गाड़ी रुक गई और आपको भी रोकना पड़ता है तो अगर आप ब्रेक से पैर हटा भी दोगे, भाई ब्रेक पे से पैर हटाओ, ब्रेक पे से पैर अगर आप हटाओ भी दोगे तब भी ये जो गाड़ी है ये पीछे नहीं आएगी। अगर मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखाऊं और ये प्रॉपर यहाँ पे डीप लगी हुई है, हैंडब्रेक डाउन है, और अगर मैं आपको यहाँ बाहर से दिखाऊं तो ये गाड़ी ऐसे प्रॉपर स्लोप पे है तो ये गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है ऑटोमेटिक और मैनुअल को लेने का अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे हो तब।